उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यह परीक्षाएं 23, 24 और 25 अगस्त और 30-31 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तैयारी और पारदर्शिता, पूर्व में पेपर लीक होने के कारण यह परीक्षा रद्द कर दी गई थी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा को 6 महीने के भीतर पारदर्शिता और शुचिता के उच्चतम मानकों के अनुसार आयोजित करने का निर्देश दिया था। अब यह परीक्षा उन्हीं मानकों को ध्यान में रखते हुए आयोजित की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परीक्षा की तैयारियों, परीक्षा केंद्रों के चयन, परीक्षार्थियों के सत्यापन और छंद निरूपण को रोकने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यह दिशा निर्देश परीक्षा की पारदर्शिता और सुचितापूर्ण ढंग से आयोजित करने के लिए है। उत्तर प्रदेश शासन ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लागू किया है। इसके तहत नकल करना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना आदि अपराध माने जाएंगे और इसमें दोषी पाए जाने पर 1 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के निःशुल्क बस सेवा की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र की अतिरिक्त 2 प्रतियां डाउनलोड करनी होगी, जिनमें से 1 प्रति परीक्षा केंद्र तक की यात्रा के लिए और दूसरी परीक्षा के बाद अपने जनपद तक की यात्रा के लिए बस कंडक्टर को दिखानी होगी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है और परीक्षा की तैयारी के लिए सभी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए।